मथुरा के फरह इलाके में स्थित मगुल टोल प्लाजा पर आज उस समय अच्छा खासा हंगामा हो गया जब आगरा से मथुरा आ रहे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से टोल कर्मियों ने वसूल कर दी, जिसकी जानकारी जैसे ही बाकियों के अन्य लोगों को लगी तो बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के लोग मथुरा टोल प्लाजा पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए भारतीय किसान यूनियन के लोगों के साथ हुई बदसलूकी का विरोध किया, जहां उनका साफ कहना था कि जिस तरह से टोल कर्मियों ने हमारे भारतीय किसान यूनियन के आगरा के जिलाध्यक्ष के साथ बदसलूकी की है वह बहुत ही निंदनीय है। वहीं उनकी मांग थी कि जिस तरह से अब यह टोल कर्मी जब तक भारतीय किसान यूनियन टिकैत के लोगों को नहीं पहचानेंगे तब तक उनका यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू रहेगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष गजन परिहार ने साफ शब्दों में टोल कर्मियों को चेतावनी दी कि जिस तरह से उनका रवैया है वह बिल्कुल ही बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। चूँकि आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता लखीमपुर में हुए भारतीय किसान यूनियन के लोगों की मौत की बाद उनकी अस्थियां लेकर मथुरा में विसर्जन करने आ रहे थे, जिनके साथ टोल कर्मियों द्वारा की गई बदसलूकी बहुत ही निंदनीय है और इसको लेकर के उन्होंने जहां टोल पर कब्जा करते हुए जाम लगा दिया, वहीं उनकी मांग थी कि जब तक टोल कर्मी उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उनका यह प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। हमारी आदरणीय टिकैत साहब के आदेश अनुसार लखीमपुर खीरी में जिन किसानों के साथ में वो हुई है गाड़ी चढ़ाई, जो मंत्री के बेटे ने, उनकी अस्थि कलश को लेकर के पूरे मंडल में भ्रमण था और आज यमुना जी में गोकुल बैराज में इसका विसर्जन था, उसे लेकर के आगरा के जिलाध्यक्ष मथुरा आ रहे थे उसमें शरीक होने के लिए, इन्होंने टोल वालों ने रोका है। जब उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे जाना है, भारतीय किसानों के लोग टोल नहीं देते, तो इन्होंने उनसे बदतमीजी की है। बदतमीजी पर ज़्यादा उतारू हुए, हमने भी इनको निवेदन किया, ये कहते हैं हम टिकैत को नहीं जानते हैं। जब तक ये टिकैत को नहीं पहचानेंगे, भारतीय किसानों संगठन को नहीं पहचानेंगे, किसान की आवाज़ को नहीं जानेंगे, तब तक किसान यहाँ पे टोल पे बैठा रहेगा। ये मगुन टोल फरे का मामला है NH2 मथुरा, ये अनिश्चितकालीन है। अभी जब तक टोल कर्मियों ने जो हरकत की है अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे, ये लिखित में ये नहीं देंगे कि हमसे गलती हुई है, आइंदा हम गलती नहीं करेंगे।